हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये इसका पार्ट 1 है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं। तो मीनिंग है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ रनिंग बिजनेस ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल और मे बी टू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंस ऑफ न्यूली एडमिटेड पार्टनर और एनी अदर रीजन, इट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्ट एंड पार्टनरशिप फर्म। मीन्स कई बार पार्टनरशिप में ज्यादा कैपिटल के लिए और एक एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत होती है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप में एडमिशन किया जाता है, जिसे हम एडमिशन कहते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड। एडमिशन के टाइम कई सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, जिनमें से पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, देन डी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, देन ई पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हम एक एक करके सारे पॉइंट्स देखेंगे। आज हम ए पॉइंट सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, ही अक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। दिस रिड्यूसेस द ओल्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। Hence, the calculation of new profit sharing ratio becomes necessary. Means, जब new partner का admission होता है तो वो अपना profit का share old partner से acquire करता है। इससे old partners का share reduce हो जाता है, इसलिए new profit sharing ratio calculate किया जाता है। There are six ways to calculate new profit sharing ratio, जिसमें सबसे पहला है when only the share of new partner is given in the question, second है when from written in the question, third है when new partner acquires his share in particular ratio, एंड फोर्थ है व्हेन ऑफ हिज शेयर इज रिटन इन द क्वेश्चन, फिफ्थ है व्हेन फ्यूचर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड सिक्स्थ है व्हेन पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो सबसे पहले हम पहला सॉल्व करते हैं। पहला है व्हेन ओनली द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी इज एडमिटेड 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। आपको क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:2 एंड सी का रेशियो दे रखा है 1/4। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए एंड बी का रेशियो है 3:2 एंड सी का शेयर दे रखा है आपको 1/4। सबसे पहले आपको टोटल प्रॉफिट अज्यूम करना है 1, देन आपको
रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इक्वल टू लिखिए, वन में से लेस करेंगे सी का शेयर, इससे एलसीएम 4 आएगा, वैल्यूज आएंगी 4-1, जिससे रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा 3/4। सी का शेयर हम उसको दे चुके हैं 1/4, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है वो ए और बी का है, तो वो ए और बी को देंगे। सबसे पहले ए का कैलकुलेट करते हैं, तो ए इक्वल टू लिखेंगे 3/4, मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड रेशो से 3/5, जैसे ए का शेयर आ जाएगा 9/20। ऐसे बी का निकालेंगे, तो बी इक्वल टू 3/4 इंटू करेंगे ओल्ड रेशो से 2/5, जिससे बी का शेयर आ जाएगा 6/20। देन सी का रेशो हमें गिवन है 1/4। देन आप चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में तीनों पार्टनर्स की वैल्यूज सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यूज 20 गिवन है, तो आपको सी को 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/5 से, जिससे सी का शेयर आ जाएगा 5/20। अब तीनों की वैल्यूज 20 है, इसलिए ए बी एंड सी का न्यू रेशो होगा 9:6:5। ये आपका आंसर है। देन सेकंड कैलकुलेट करते हैं, व्हेन फ्रॉम इज रिटन इन द क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा हो, तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म, ही टेक्स 3/20 शेयर फ्रॉम ए एंड 2/20 शेयर फ्रॉम बी, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में आपको ए एंड बी का रेशियो दे रखा है 3:2 एंड सी का शेयर दे रखा है 1/4, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे ए एंड बी का रेशियो 3:2 एंड सी का शेयर है 1/4। देन क्वेश्चन में क्या रखा है, सी 3/20 शेयर लेगा फ्रॉम ए से एंड 2/20 शेयर लेगा फ्रॉम बी से, तो जब भी क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा जाए तो आपको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है ओल्ड रेशो से। यह बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अच्छे से याद रखना है आपको। तो सबसे पहले हम ए का कैलकुलेट करते हैं, ए इक्वल टू ओल्ड रेशो है 3/5, लेस करेंगे 3/20, जिससे एलसीएम आएगा 20, वैल्यूज आएंगी 12-3, एंड ए का शेयर आएगा 9/20। ऐसे ही बी का कैलकुलेट करेंगे, बी का ओल्ड रेशो है 2/5, इसमें से लेस करेंगे 2/20, जिससे एलसीएम आएगा 20, वैल्यूज आएंगी 8-2, एंड शेयर आएगा 6/20। सी का शेयर आपको गिवन है 1/4, आपको अगेन चेक करना है कि डिनोमिनेटर में सबकी वैल्यूज सेम होनी चाहिए। ए एंड बी की वैल्यू 20 है, सी को 20 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/5 से, जिससे सी का शेयर आ जाएगा 5/20। यहाँ तीनों की वैल्यू सेम है, मीन्स ए बी एंड सी का न्यू रेशियो होगा 9:6:5। ये आपका आंसर है। देन थर्ड कंडीशन है, व्हेन न्यू पार्टनर अक्वायर्स हिज शेयर इन पर्टिकुलर रेशियो, तो क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4, दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर विच ही अक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में आपको ए एंड बी का शेयर दे रखा है 5:4 एंड सी का शेयर दे रखा है 1/3, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे ए एंड बी का शेयर 5:4 एंड सी का शेयर है 1/3। देन क्वेश्चन में क्या रखा है कि सी अपना शेयर इक्वली लेगा बोथ पार्टनर से, मीन्स सी के शेयर को आपको 1:1 के रेशो में डिवाइड करना है, जो ए एंड बी बेयर करेंगे, तो इससे
ए सेक्रीफाइस करेगा 1/3 × 1/2, जिससे वैल्यू आएगी 1/6, मीन्स ए जो है 1/6 शेयर देगा। ऐसे ही बी का कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, जिससे वैल्यू आएगी 1/6, मतलब बी भी जो है वो 1/6 सेक्रीफाइस करेगा। ये दोनों वैल्यूज आपको सब्ट्रैक्ट करनी है ओल्ड रेशो में से। तो सबसे पहले ए का कैलकुलेट करते हैं। ए इक्वल टू ओल्ड रेशो है 5/9 माइनस करेंगे 1/6, जिससे एलसीएम आएगा 18, वैल्यूज आएंगी 10-3 एंड शेयर आएगा 7/18। ऐसे बी का निकालेंगे। बी इक्वल टू ओल्ड रेशो है 4/9 लेस करेंगे 1/6, जिससे एलसीएम आएगा 18 एंड वैल्यूज आएंगी 8-3, जिससे शेयर आएगा 5/18। सी का शेयर आपको गिवन है 1/3। आपको अगेन चेक करना है कि डिनोमिनेटर में सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ ए एंड बी की 18 है, तो सी को 18 के इक्वल बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6/6 से, जिससे सी का शेयर आएगा 6/18। अब तीनों के रेशोज के नीचे 18 है, इसलिए ए बी एंड सी का न्यू रेशो है 7:5:6। ये आपका आंसर है। देन नेक्स्ट है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इस चैप्टर में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो सीखना है तो आप चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं, जिससे मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो को एक्सप्लेन किया है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है सक्सेस हीट, एंड डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।